नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारे इस वीडियो में एक बार फिर से। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ह्यूंडई मोटर की तरफ से आई हुई एक नई वीडियो के बारे में। इस वीडियो में दिखाया गया है ह्यूंडई के हाई परफॉर्मेंस गाड़ियों को बर्फ में टेस्ट करते हुए, उसी में हमें नई i20 की भी एक टेस्टिंग जो है वो दिखाई पड़ी है। आज हम इस वीडियो में इसी के ऊपर बात करेंगे। अगर हम इस वीडियो के बारे में, तो इस वीडियो को शूट किया गया है स्वीडन में, जो कि एक काफ़ी पॉपुलर विंटर टेस्टिंग ग्राउंड है फॉर ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स। और वहाँ के अगर हम टेम्परेचर्स की बात करते हैं तो कभी कभी वहाँ पर जो टेम्परेचर वो -30 डिग्री तक पहुँच जाती हैं। इस टेस्टिंग के जरिए ह्यूंडई अपनी गाड़ियों की रिलायबिलिटी और कैपेबिलिटी के बारे में जानना चाहती हैं। इसी वजह से उन गाड़ियों को इतनी ज़्यादा ठंडी जगहों पे टेस्ट कर रही हैं। ह्यूंडई की अगर हम बात करते हैं तो i30N के सक्सेस के बाद वो अपनी i20 को भी एक स्पोर्टियर कार बनाने की पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो में ज़्यादा बोर ना करते हैं, इसी वीडियो की तरफ चलते हैं। तो आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख पाएंगे ह्यूंडई मोटर की तरफ से आई हुई उस ऑफिशियल वीडियो को। I'm Thierry Neuville, driving in WRC since 9 years and 7 years already for Hyundai Motorsport, driving the great i20 WRC. WRC cars really push to the extreme. Every detail is fine-tuned to get the maximum of performance and also to adapt it to our driving style. i19 was a very impressive car. I had the opportunity to drive it first time in Nordschleifen Nürburgring. I felt very comfortable going the first round. Pretty good settings, you can play a little bit with the ABS and power, the boost control. Very easy to drive, obviously it's good fun because it's rear-wheel drive as well. Like conditions today in the snow, I had a big smile on my face because I was driving sideways quite a lot. I was the lucky boy today to drive this first prototype of the i20N. Very interesting car, very precise, very easy handling. Systems, electronical systems are helping the driver to keep the control all the time. The engine is revving very nice. The noise is really interesting as well. And I'm looking forward to get this one driving in WRC.